बरेली में तैनात होमगार्डों ने डीएम से शिकायत की है कि पुलिस अधीक्षक यातायात उनको ड्यूटी पर नहीं लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो होमगार्ड 5 से 10 वर्ष तक ट्रैफिक में ड्यूटी कर चुके हैं उनको ट्रैफिक में नहीं लिया जाएगा। होमगार्ड ने अपनी रोजी रोटी की समस्या खड़ी होते देख जिलाधिकारी से हर्षित कर यातायात में ड्यूटी लगवाने की मांग की है। होमगार्ड ने कहा कि हम लोग सुबह SP ट्रैफिक के कार्यालय पहुंच जाते हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं, ड्यूटी नहीं लगती है। हम लोगों ने कोरोना काल से लेकर अन्य विषम परिस्थितियों में पुलिस की सेवा की है, हमको यातायात पुलिस में आमद करवाने की कृपा करें। बड़ी संख्या में होमगार्ड ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, ड्यूटी लगवाने की मांग की। रमेश बाबू क्या समस्या आ रही है आप लोग? समस्या यही सवेरे से जूझ रहा हूँ, अभी तक ना कोई यता बंदा कहाँ जाना ड्यूटी कहाँ नहीं जाना बैठा रखा है, दो चार लगा दिए, बोले अब तुम्हारी सर्टिफिकेट कहाँ है, कितना उम्र हो गई, कितनी कर हमने लिख दिया। शिकायतें कुछ नहीं, एलर्जी है पता नहीं क्यों है, पता नहीं होमगार्ड होने क्या दिक्कत आ रही है, अरे पता नहीं उन्हें क्या बात है क्या नहीं। पहले जो उछाल हुआ 2 महीने पहले पैसे उठे वाले मुंशी को लेकर क्या बात, मुंशी तो बेचारे सही है, मुंशी को जैसे साफ चलाए वैसे मुंशी चले, मुंशी को नहीं है तो क्या लगता है कि मुंशी को टारगेट बनाया बहुत साफ कहते हैं मुंशी से, मुंशी वही तो काम करेगा, पैसे हमारा कोई मैटर नहीं है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।